नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में तीन चरणों के दौरान सभी 90 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब नतीजे 8 अक्टूबर यानी कल मंगलवार को घोषित किए जाएंगे, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। ये चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना, इसका पता मंगलवार सुबह से लगना शुरू हो जाएगा। इन नतीजों से न केवल राज्य की बल्कि देश की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ने की उम्मीद है। इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देगा। मैं जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद के साथ भाजपा जोड़ तोड़ में लग गई है। भाजपा मानती है कि हरियाणा में पार्टी की वापसी मुश्किल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनकी संभावनाएं कायम है, क्योंकि भाजपा ने जिन चेहरों को चुनाव में उतारा वो घाटी में काफी अहमियत रखते हैं। कौन है वो उम्मीदवार और क्या है भाजपा का कश्मीर फतेह का एजेंडा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने सियासी धड़कनें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बीजेपी की उम्मीदें छोटे दलों के साथ निर्दलियों और बागी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर टिकी हैं। बीजेपी अगर सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो वो छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। इसी के लिए निर्दलीय और छोटे दलों के साथ पर्दे के पीछे से ताना बाना बुना जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के अनुमान का औसतन आंकड़ा देखें तो बीजेपी 30 से 32 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन 42 से 45 सीटें, पीडीपी 6 से 12 सीटें, अन्य 6 से 11 सीटें मिलने की संभावना है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस तरह बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 का हो जाता है। ऐसे में कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी दल में बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाने की कवायद अभी से तेज हो गई है, ताकि नतीजों के बाद वक्त खराब ना हो। वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों ने कश्मीर संभाग से जीत की संभावना वाले निर्दलीय नेताओं पर पूरा फोकस केंद्रित कर रखा है। इसमें इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और कुछ निर्दलीय शामिल हैं। बीजेपी ने जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा वहां पर निर्दलीय के पीछे से समर्थन किया था। ऐसे में इस बार भी माना जा रहा है कि सभी छोटे दल बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। देखा जाए तो भाजपा अकेले सबसे बड़े दल के रूप में उभरने पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ऐसे में राजभवन की खास भूमिका होगी और भाजपा सरकार बनाकर बहुमत साबित करने का मौका दिया जा सकता है। ऐसे में देखना है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद किसकी सरकार बनेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।